बिग बॉस सीजन 18 में टाइम का तांडव मचना शुरू हो गया है। शो के लेटेस्ट एपिसोड की बात की जाए तो अविनाश के फैंस के लिए बुरी खबर हो सकती है। अविनाश को बिग बॉस ने बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि उनको घर से बेघर करने का फैसला लिया गया, आइए बताते हैं। तो बीते एपिसोड की शुरुआत चाहत पांडे और विवियन के बीच गिले शिकवे मिटाने से शुरू हुई थी, जो आगे चलकर चाहत और रजत दलाल की लड़ाई का रूप ले लेती है। हालांकि ये मुद्दा घर वालों ने आपस में सुलझा लिया। इस वक्त घर का सबसे ज़रूरी मुद्दा बना हुआ है खाना। बिग बॉस ने पिछले कुछ सीजन से घर का पैटर्न चेंज किया है। कॉन्टेंट के लिए मेकर्स घर वालों के खानों में कटौती करते नज़र आ रहे हैं, जिसका सीधा फ़ायदा उन्हें TRP से मिल रहा है। फिलहाल घर वाले भूख हड़ताल पर हैं। खाना न मिलने से परेशान घर वालों ने बिग बॉस में बगावत करने की ठान ली है। लेकिन बिग बॉस के आगे तो किसकी चलती है आप सभी जानते हैं, किसी की नहीं। घर वालों की भूख हड़ताल की चुटकी लेने के लिए बिग बॉस ने कन्फेशन रूम का दरवाज़ा खोला था और सभी घर वालों से कहा कि वो कन्फेशन रूम में आकर फ्यूचर को बदलने के लिए एक एक विश सामने रख दें। फिर क्या, सबसे पहले करणवीर पहुँचे। तो जैसे ही घर वालों को सुनहरा मौका मिला, वैसे ही उन्होंने अपने अपने असली रंग दिखाने शुरू भी कर दिए। सिर्फ चुमदारांग, अविनाश मिश्रा, एलिश कौशिक और तजिंदर सिंह ने खाने की विश मांगी। बाकी सभी कंटेस्टेंट जो सुबह से भूख के कारण तबाही मचाए हुए थे, सबने राशन की मोह माया छोड़ अपनी विश सामने रख दी। इस दौरान बड़े ही कूल अंदाज में विवियन डिसेना ने बिग बॉस से ट्रॉफी की डिमांड रख दी। वहीं करणवीर मेहरा ने नॉमिनेशन की लिस्ट से अपना नाम हटाने की बात कही। मज़ेदार बात ये रही कि विश मांगने के बाद बिग बॉस ने बड़े ही शानदार अंदाज में घर वालों के चेहरों से नकाब हटाकर सबको सबक सिखाया। बिग बॉस ने घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाकर कहा, जब उन्हें राशन पर बात करने का मौका दिया गया तो सिर्फ चार लोगों को छोड़कर सभी राशन की बात का मोह माया छोड़ एक झटके में सब कुछ भूल गए। अब बात करें लेटेस्ट प्रोमो की, तो घर वालों के वोटों के आधार पर बिग बॉस ने अविनाश को घर से बेघर कर दिया है। पर क्योंकि इस बार शो की थीम टाइम का तांडव है, तो बिग बॉस कब किसका फ्यूचर बदल दें कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए देखते रहिए India.com।